कक्षा 9 गणित, ये हितेश साहू जी ने कमेंटेड किया है कि क्या आप अभी 9 यानी 9th का जो है वास्तविक संख्याओं का एग्जांपल नंबर 2 बता सकते हैं। तो मैं ये 14 मिनट पहले किया हुआ है कमेंट, मैं इसको बताने जा रहा हूँ। ये उदाहरण दिया हुआ है आपका 2 वास्तविक संख्याओं का 7.3456, इसमें 3 अंकों पे लगा, इसको पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त करना है। चलिए देखते हैं कैसे होता है। ये आपका दिया है 7.3456 यानी 3 अंकों पे लगा हुआ है, पी बटे क्यू के रूप में लगना। सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेते हैं, माना क्या है, पी बटे क्यू बराबर एक्स मान लेते हैं। तो एक्स का मान कितना हो गया, 7.3456, और ये 3 अंकों पर बार लगा हुआ है बच्चों। तो ध्यान रखना है इसमें बार जो लगा हुआ होता है, जितने भी बार लगा है उतने ही एक लिख करके 0 से हम गुणा करते हैं। तो यहां पहले इसको एक्स को सही करके लिख लीजिए, कितना हो जाएगा 7.3456, फिर जो है 456 आ जाएगा, फिर 456 आ जाएगा, ये डेड करता रहेगा। और इसके बाद हम कितने से गुणा करेंगे, इसमें एक लिख करके 3 जीरो, क्योंकि 3 जीरो से ये जो है 3 पर पुनरावृत्ति चल रही है आपकी, तो 3 में हम लिख लेंगे 3 जीरो। तो अब ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 7.3456456, फिर 456, और ये चलता रहेगा। चलिए ये समीकरण नंबर 1 हो गई, ये ऊपर वाली समीकरण नंबर 1 है और ये नीचे वाली समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हमें घटाना पड़ता है, यानी कि 2 में से क्या करेंगे, हम समीकरण नंबर 1 को घटा देंगे। तो देखते हैं घटाने पर क्या बचता है। तो पहले ये लिखेंगे हम 1000x हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, 7.3456456 आएगा, 456 आएगा, और ऐसे ही ये चलता रहेगा। चलिए आगे देखते हैं, इसमें x बराबर जो आया था वो भी लिख लेते हैं जरा, क्या था ये था 7, कितना था 3 है, 456 है, फिर 456 है, ऐसे ही आपका चलता रहेगा। अब इसको घटा देते हैं बच्चों, देखो घटाने पर क्या होगा, ये संख्याएं जो भी घट के बचेंगी वो घटा लेते हैं। ये आपका यहां से घटाने पर कितना रहेगा, 9 और एक और 9 आ जाएगा, 999 हो जाएगा और x रहेगा। यहां देखो क्या बचेगा, ये बाद के जो है सारे घट जाएंगे, लेकिन क्या बचेगा यहां से, 6 में से 3 गई तो बाकी 0 रहेगा, 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा यहां पे, और यहां बच गया 15 में कहां से ले लेते हैं, 15 में से 7 गया तो 8 7 15 हो जाएगा, यहां बचा 3 और यहां से 7 आपका बची गया है। तो x बराबर अब लिखना है आपका 7.3853 और बटे में 999, तो ये दशमलव बटे में आ गया है। अब ये दशमलव बताते हैं तो बच्चे यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब ये कर सकता है क्या, देखते हैं, 7 और 3 10 10 और 8 18 18 और 3 21, ये 3 से कट जाएगा बच्चे, तो काट देते हैं इसको 3 से, तो 3 3 3 9 3 3 9 3 3 9 और 0 इसको काट दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 × 6 हो जाएगा, 1 बचा 3 4 12 हो जाएगा, 1 3 6 18 हो जाएगा और 3 1 3 हो जाएगा। अभी भी कटता है क्या, 24 है, ये अब नहीं कटेगा बच्चों। तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, 2 4 6 1 और बटे में आ गया 3 3 3 0 और यही बच्चों ये आंसर हो जाएगा। तो ये है आपका वो प्रश्न जो आपने पूछा है। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो, मेरे वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और इस तरह से आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा कि आप लोगों को समस्याओं का समाधान कर सकूं। नीचे ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों का फायदा हो सके, और मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे जिससे मुझे कुछ हिम्मत मिलती रहे और साहस मिलता रहे और वीडियो बनाने का। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, देखते रहिए मेरा वीडियो।